तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और गाइस आज हम लोग खेलने वाले हैं फ्री फायर। और तुम सोच रहे होंगे कि भैया मैं इतना क्या कहते हैं इमोट क्यों मार रहा हूँ, क्योंकि गाइस मेरा डीजे लॉक आज खुल चुका है। गाइस मैंने फाइनली कहा था आपको कि 2 या 3 अप्रैल को मेरा खुल जाएगा, और गाइस आज खुल चुका है मेरा, 2 अप्रैल हो चुके हैं। और गाइस इसको क्लेम करने के बाद भाई मेरे पास आ जाएगा डीजे लॉक। और गाइस देख सकते हो आप एक्सचेंज का ऑप्शन आ चुका है, तो गाइस रिडीम कर ही लेते हैं हम अपना डीजे लॉक। तो गाइस ये खोला, ओपन करा भाई मेरे पे, तो अरे यार इतने सारे भाई, अभी तो तुमने डीजे लॉक दिखाया था, इतने सारे करेक्टर मिल रहे। चलो कोई दिक्कत नहीं, मुझे डीजे लॉक लेना है, बस ये रहा भाई डीजे लॉक। और गाइस फाइनली इक्विप कर लो क्या, कर लिया गाइस, इक्विप भी हो चुका है डीजे लॉक। और गाइस आप देख सकते हो भैया मेरा डीजे लॉक खुल चुका है। और अब इसके मैंने कपड़े वपड़े चेंज करूँगा, कि ये वाले कपड़े नहीं पहनने थे आज मुझे। तो गाइस फाइनली मैं मैच लगा चुका, और मैंने सीएस रैंक का मैच लगाया है जिसमें गाइस अल्पाइन मैप लग गया है। और गाइस अल्पाइन मैप में ना गाइस ये मेरी बहुत मदद कर पाएगा, क्योंकि गाइस पहली बात तो ना इसमें जितनी एबिलिटी लगा रखी है मैं तुम्हें बता देता हूँ। पहली बात तो इसमें उसकी मैक्सिम कैरेक्टर की भी लगा रखी है मैंने, वो भाई उसको दोस्त का कितना तगड़ा हेडपॉट है इसकी। हाँ अरे इसकी भैंस की टांग, वो भाई किसने मारा भाई पीछे से साइड से मार दिया इस लौंडे ने भाई, फिर भी यार एक किल तो मिलेगा। तो गाइस मैंने ऐसे बताता हूँ, एक किल तो मेरे को मिल गया, मैं नंबर वन पे वो भी। तो गाइस तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ इसमें कितनी एबिलिटी लगा रखी है मैंने। पहली एबिलिटी मैंने लगा रखी है, कहते जो मेरी पहली एबिलिटी थी वो थी भूया कैरेक्टर की, मतलब लियोन कैरेक्टर की। उसके बाद है कौन सी उसके बाद है मोको कैरेक्टर की, जो कि भाई तुम्हें पता ही होएगा। और उसके बाद मैंने लगा रखी है मैक्सिम कैरेक्टर की। और भाई इसमें एक पैट की भी, तुम्हें पता होगा पैट की एबिलिटी भी है, जिससे भैया हम जो भी वो मेडिकेट मारता हूँ या मशरूम खाता हूँ या कुछ भी लेता हूँ, जिससे भैया हेल्थ बढ़ती है, तो उससे मेरी फटाफट ईपी भी बढ़ जाएगी। जैसे कि तुम्हें पता ही होगा ईपी बढ़ जाएगी, जैसे मैं कुछ भी लूँगा तो मेडिकेट लेते ही ईपी बढ़ेगी मेरी, इतना समझ लो। और भाई एक डीजे लॉक की एबिलिटी खुद की है ही, तो गाइस 4-5 एबिलिटी के साथ भाई अल्पाइन मैप में यार कोई ना ही जीते। देखते हैं जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे, हर मैच तो भाई डीजे लॉक भी नहीं जीतवा सकता, कुछ में किस्मत से भी हम जीत जाते हैं, जिसमें भी जब बहुत गंदे फिर आदमी आते हैं भैया, जो कि हमें ऐसे ही रैंक कुछ करा देते, कुछ करने की जरूरत नहीं होती। और गाइस इस बंदे के साथ जाऊँगा, इस बंदे ने बहुत बोला है कि भैया मेरे साथ चलो, तो देखते हैं भैया कितना बड़ा फिर है। वैसे हम तो नुफड़े ही है भाई, इसके पास BTS का नया बंडल है, अब मेरे पास भी आने वाला है BTS का नया बंडल, क्योंकि तुम पता है क्रिस्टल मिलने वाला है, उसी से गाइस हम रिडीम कर पाएंगे जहाँ तक मुझे पता है। अगर रिडीम कर पाए ना तो तुम्हारे लिए वीडियो बना दूंगा, तो तुम फटाफट वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो भाई सब्सक्राइब कर देना यार, नहीं तो तुम्हारा फ़ोन टूट जाएगा। तुम बताइए सब्सक्राइब करना पड़ता है ना यार, फ़ोन का इसका फ़ोन चला जाएगा, फ्री फायर नहीं खेल पाओगे, कुछ देख नहीं पाओगे यार, मेरी भी वीडियो नहीं देख पाओगे, इसीलिए भैया लाइक कर दे करो। और भाई तुम्हारा और भाई कि जिस अभी मेरे एक सब्सक्राइबर बढ़ गया, तो भाई उसके लिए थैंक यू, तुमने एक सब्सक्राइबर बढ़ा दिया तो भाई उसके लिए थैंक यू। हाँ तो अभी देखते हैं भैया गेम पे फोकस रहना, उसकी लग गया है इसकी वहाँ भाई, क्या हेडशॉट मारा भाई क्या। अब तो भाई मेरे को फ्री फायर मैक्स में भी प्रो वाली फीलिंग आ चुकी है, कि हेडशॉट बढ़ रहे हैं भाई, क्योंकि एक टाइम पे हेडशॉट है करो के नाम से चिल्लाना चाहिए सब लोग। और कौन मार रहा है इसकी यार, ग्लू वॉल की कमी रहेगी बच जाता अभी तक भाई। मैंने बहुत जल्दी ग्लू वॉल लगाने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं भी लोन वॉल्फ में खेल के पटाईपट हो रहे भैंस के गया भाई, एक गोली का छू के भी निकल जाएगी, जब भी मर जाएगा भाई बंदा, ये सिस्टम तो गलत है भाई इसका। और भाई ये देख सकते हो ये हरा घोड़ा, देखते हैं हरा घोड़ा इसे इस चिमकानी लड़की को मार पाएगा, वो भाई हरे घोड़े ने तो हरे घोड़े ने मार दिया भाई। मैं यार लेवल मैं पता यार, तुम मेरे को ना चूज़ करके बताना है मेरे को कौन सा बंडल निकालना चाहिए, अगर मेरे को बंडल निकालने के लिए मौका मिले BTS का तो बता देना यार। पिंक वाला तो यार मैं नहीं पहनूंगा, तो बेहूदा सा बंडल है कुछ, उसके अंदर मैं भाई उसके अंदर मैं हाथ नहीं डालता भाई, क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लगा वाला बंडल। तुम बता देना यार कमेंट करके कौन सा बंडल निकालना है। ये यार हरा वाला इसी लग रहा है क्या, मुझे तो हरा वाला इसी लग रहा है पोपट लाल, बट गाइस स्पिन मारना ना पड़ जाएगा। स्पिन मारा तो भाई किस्मत पे मिलेगा भैया, जो भी मिल जाएगा चुपचाप ले लूँगा भाई मैं तो भाई, पर बहुत ज़्यादा डायमंड लगाने पड़ेंगे जब जाकर तुम्हें अपने मनपसंद का नहीं लेगा, नहीं तो एक डायमंड भाई तुम्हारी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है। बट अगर क्रिस्टल लेना है तो अरे ये सीन का होता है भाई, इसमें यार इसमें अटक जाता है थोड़ा बहुत गेम ना मेरा। हाँ पता नहीं क्या सिस्टम है, फ्री फायर मैक्स में चलता नहीं है, फ्री फायर मैक्स भाई बहुत MB का गेम है, 800-900 MB का लगता है भाई, सच बताऊँ ना साइज़ बहुत है, 1 GB तक का साइज़ पहुँच जाता है भाई मेरे उसमें, आधा से 1 GB का साइज़ तो भाई फ्री फायर मैक्स ने ले रखा है। फ्री फायर नहीं अटकता होगा बट ये अटकता है, थोड़ा बहुत अटकता है, बट इतना तो यार अटकेगा ही कोई भाई, मैं फ़ोन में खेल रहा हूँ कोई PC नहीं है, PC पर भी अटकता है भाई अच्छे अच्छे होगा, चाहे करोड़ों रुपये का भी खजू करी तो पर अटकता है भाई थोड़ा बहुत, तो थोड़ा बात तो भाई कुछ भी अटकेगा ही। अभी देखते हैं यार, मैं ना नूब वॉक करना सीख गया हूँ, मतलब नूब वॉक तो मैं करता ही हूँ, नूब था पहले जब भी, तो थोड़ा खेलने में आया है मैं, प्रो तो हूँ नहीं मैं, पर भाई जब से मैंने कहते
अब तुम्हें पता है VSS X की भी ट्रिक पता कर ली है मैंने कि VSS X जब कोई मार देता है तो हमें जहर से चढ़ जाता है ना कि हमारे कम से कम HP वो हो जाती है, मतलब एकदम से HP हमारी ख़त्म हो जाए। वो भाई बंदा हो गया भाई। MP5 है मेरे पास, एक गन स्किन और दे दे भाई, वो फ्री फायर परमानेंट MP5 की नया सीजन स्टार्ट करते भैंस को भाई सब बंदा आ रहा है भाई, लपेट दे। चलो भाई खिल चोरी कर लो तुम, कोई दिक्कत नहीं, खिल चोरी कर लो मेरा, और भाई मुझे बूया करा के लो, मुझे बूया चाहिए किल बेसक, तो तुम मेरा चोरी कर लो, किल को मैं धर के निजाटूंगा। करे भैंस की आग ये बंदा भाई, अगर मेरे पास वुड पैकर होती भाई या ACAT होती कुछ भी होती है ना भाई, क्या सिस्टम बताओ तुम्हें। अरे अरे जोन, अबे यार इसमें जोन का पता ही नहीं लगता, उसने सामने से गोली और मार दी खामा खामे, एक तो निकल नहीं पाया। यही तो सिस्टम है फ्री फायर मैक्स का, जोन ही समझ नहीं आता मुझे तो, क्योंकि ये नीला है ना पूरा। तो चलो गाइस इस बंदे ने विक्ट्री बना दी, लाइक कर देता हूँ भाई मैं सबको, क्योंकि भाई इसने मेरे को विक्ट्री दिलाई, बहुत बड़ा काम है। मैं सोच रहा हूँ स्काइलर भी खरीद लूँ फिर तो यार, मैं सब चीज़ हो डीजल ओक है वो, अब भाई अब बस वुकोंग निकालना है, मैं को वुकोंग निकाल लूँगा फटैक देने। अरे अरे लेट क्यों रहा है भैया, ये यहाँ की यहाँ पर कोई देखता रहता है उसके परिणाम कर रहा है भैया। ये ले लो भाई, ये तो यार एक वेस्ट मिली है भाई चिमकांडी, तू तो ले दे यार मेरे को, है कुछ है नहीं मेरे पास तुझे पता ही होएगा, तो फिर ऐसी हरकतें क्यों करता है भैया चिमकांडी। हाँ तो कैसे अभी हरे 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 घोड़े के साथ चलते हैं हम, ये हरा घोड़ा हमें बहुत देर तक भाई, कभी तू लोहे के चने तो नहीं कर पिसवाएगा नहीं जो भी कहते हैं उसको, रुक जो हरे घोड़े के साथ ही रहते हैं हम तो। फटाफट बंदा को दिख जाए ना बहुत सारे घोड़े को मारने आओ कोई शिकारी, अभी रुक जो मैं उसको शिकार करके जाऊँगा। कहाँ पर है यार, मतलब डीजे लॉक के साथ भी गेम प्ले करने में इतना ही टाइम लगता है, वैसे डीजे लॉक लग नहीं रहा होगा किसी को डीजे लॉक लेकर बैठा हूँ मैं, बट जब मेरा कोई कार्ड देखेगा ना जो इसमें मिलता है CS रैंक में, तो मैं अपना खुद का कार्ड मिलता है इसमें, तुम्हारी सारी वो लिखी होती है, अरे अरे पूरा रिजल्ट होता है भाई, चुरा लो मैं जब पूरा किल, अरे चुरा ले बेटे चुरा ले, बिल्कुल बिल्कुल वो है, बस मुझे बुआ दिलाओ मेरी प्लेटिनम 1 पे। अरे फिर फंस गया भाई, ये दबाओ, ये देखो गाइस इसका फ़ायदा होता है गाइस हमेशा इसका, बस इसकी वजह से बच गया, नहीं तो भैया बहुत गंदा मरता मैं। और डीजे लॉक की एबिलिटी भाई देखो कितने आराम से मार सकता हूँ मैं, यही मस्त है भाई डीजे लॉक की एबिलिटी में, कि अगर कभी इंस्टेंट मेडिकेट मारने का टाइम ना मिले या कुछ भी ना मिले तुम्हारे पास, इधर तो इधर है नहीं तो इसीलिए। और भाई फटाफट लूट ले भाई, मुझे भी दे दे कुछ लूट, तू लपेट लेगा सारी बंदों की लूट लेता रहता है। तो गाइज विक्ट्री तो मिल चुकी है, तो गाइज दो मैच इतने गंदे आ रहे हैं ना, हमने इतने गंदे आ रहे हैं ना, मैंने भी नहीं सोची थी और तुम भी नहीं सोच पाओगे भाई, बहुत गंदे मैच हरा दिए लोगों ने। एक भाई हम जीत ही जाते बहुत करीब थे जीत के, बट सिर्फ यार मेरे को ना उस लड़की ने मार दिया, और भाई वो तीनों बंदों को खा गई वो लड़की, भाई सही बताऊँ ना वो लड़की मनुष थी यार, तीनों बंदे को लपेट गई भाई, मैं खुद नहीं ड्रैग कर पाया। अरे भाई को बंदा आ रहा है इसकी रहती है ये बड़ाई भाई भाई इसीलिए भाग भाग के बता रहा, अगर बंदे चढ़े हो ना तो तुम्हारी ऐसी हालत हो जाएगी जैसे इस बंदे की, ना घर का ना रहा घाट, ना घर का रहा ना घाट का रहा। अभी देखते इसकी वैसे वो देखते हैं सीन कर देखता हूँ इसका सेट कहाँ, दूसरा भाई तीन बंदे बचे एक और आ गया इसकी भी, वो ये लगा 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 भैंस की आग भाई साहब। डीजे लग की एबिलिटी जब तक रहेगी ना भाई तब तक मुझे कुछ दिक्कत की बात नहीं है। अभी फटाफट मेडिकेट मारनी है क्या, अब बंदे भाई घूमते रहो, बंदे बंदों को ना चढ़ने नहीं देना भाई, जैसे बंदे चढ़ जाते तो वो लोग फटाफट छुपते हैं, जैसे छुपने नहीं देना ना, तो हमें निकलने देना ना छुपने देना है, बस ध्यान रखना है कि इसके ऊपर ना आ जाए, जैसे वो ऊपर चढ़े ना वैसे उनको भटाई भट गोलियां मारनी है, और जब तुम ज़्यादा डैमेज हो जाओ तो अभी बाहर निकलना पड़ेगा गाइस, थोड़ा बहुत तो देखूँ भैया कहाँ बंदे, और भैंस की आग मार देगा भाई डाउन करेगा, अरे यार अटक बीच में। यही सिस्टम मेरे को बेकार लगता था दूसरे वाले फ़ोन में, कि ये जब स्थिति ख़राब होती है ना जब ही अटकता है, वैसे तो देखो मक्खन चल रहा है मैं, अरे भाई इसको डाउन कर दिया कोई दिक्कत नहीं बेटा मैं तेरे को रिवाइव करूँगा ऐसी बात, क्योंकि भैया मेरे बस की भी नहीं है ना 1v2 करना, और बंदा ना आ जाए यार, कोई बंदा आ गया ना यार सिस्टम ख़राब हो जाएगा हमारा। रुक जो पहले एक ये रिपेयर किट खा लेता हूँ, मेडिकेट की तो कोई ज़रूरत है नहीं भाई, दोबारा चार्ज हो गया डीजे लॉक मेरा। अभी देखते हो बंदा भाई, बंदी आ गई भाई, इसको हेडशॉट नहीं लगा यार, ऐसे हमें रश कर देना चाहिए, क्या करेगा ये, या नेड करूँ मैं इसके ऊपर भाई, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि भाई क्या करना चाहिए, कि बंदी के पास ना कत्ती तगड़ा वाला वो है गाइस, खतरनाक उसके पास भाई वो है। रुक जाओ गाइस नेड करना पड़ेगा, एक नेड करा ये, दूसरा नेड करा भाई, भाग जो क्या भाई, क्या सिस्टम है यार मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई, इसने नेड कर दिया भाई, अरे बाप रे यार ग्रीन नेड से यार मैं डाउन हो गया गाइस, तो क्या करूँगा इसमें
भाई बहुत गंदी किस्मत है यार, नीर से फट गया, मैं भाग नहीं पाया। क्या ही सिस्टम था कुछ समझ नहीं आया भाई मुझे, जिसको ना रश मार देना चाहिए था। गाइस सबसे बड़ी गलती हमारी होगी कि हमने दूर से मारने की सोची, अब गाइस एक बंदा बचा है तो गाइस देखते हैं क्या भाई वो हमें बुरा कर पा पाएगा। वैसे मेरी रैंक तो नहीं जाएगी क्योंकि तुम्हें पता होगा, बट मैंने ओ भाई ये बंदी नीचे कूदी। तो चलो गाइस आज की वीडियो में इतना, वीडियो पसंद है लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गाइस बाय बाय।